हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन आज जो हम लोग इस जो को दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसके बाद सीखेंगे किस्त वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला, जो भी उसको हम लोग सेकंडों में बनाने के लिए सीखेंगे, जो बहुत आप लंबा प्रोसेस से जानते होंगे उसको। भाई ऑप्शन ही हम लोग कैसे बनाएंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे, इसलिए बने रहिएगा। और सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया था दो टेस्ट के लिए पार्ट 8 का, ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। उसके बाद जो नया सीखेंगे उसको सीखना है आसानी से, जो किस्त वाला सीखेंगे हम लोग इसी के बाद। पहले सबसे पहले चलिए इस दोनों क्वेश्चन को बना लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 620 रुपया हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना वर्ष है, 3 वर्ष है, और 3 वर्ष है तो डिफरेंस यानी कि डी इक्वल टू हम लोग डिस्कस कर दिए थे इस तरीका से, अंतर इक्वल टू, अगर याद आप किए होंगे तो, जो लोग नया है वो एक बार देख लेंगे इस तरह से। और लिखे थे कितना, 300 प्लस कितना आर और बटा में कितना 100, इसी पर हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा आसानी से, तो डिफरेंस कितना दे दिया है, 620 यानी अंतर, समझ रहे हैं। रेट कितना है, 10%, तो 10 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 100। तो हम लोग के निकालना है क्या, राशि निकालना है यानी कि मूलधन पी निकालना है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, 10 के अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 100। आई नीचे भी कितना हो जाएगा, 100 के, तो 100 के स्क्वायर कीजिएगा तो इसको इस तरीका से लिख देते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 310/100। अब देखिए आसानी से बना लीजिए, अब इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस जीरो से इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो इसको भी कर सकते हैं दो बार। अब क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, तो दो में कितना से गुना कर दीजिएगा, 100 × 100, कितना अच्छा लग रहा होगा बनाने में, तो दो पर कितना, 4 0, इस तरह से हम लोग के ये आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 20,000, कौन सा होगा, डी नंबर। यानी इस तरीका से आप आसानी से बना सकते हैं, अगर याद तो सेकंडों में आप बना लीजिएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आसानी से इसको भी आप बना सकते हैं। इस पे भी हम लोग आप पार्ट 8 देखे होंगे तो हम बना दिए, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इसको तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए सेम इसी से बनाना है, इसी से रिलेटेड बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग, पहले एक बार पढ़ देते हैं। 5,000 रुपया पर दो वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 72 रुपया हो तो दर ज्ञात करें। इसमें क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए सिर्फ कितना रहता है, इतना ही रहता है, ठीक है। तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। अंतर डिफरेंस कितना दे दिया है, यहाँ लिख ले रहे हैं ऊपर, तो अंतर कितना दे दिया है, यहाँ इसका अंतर कितना है, तो अंतर दे दिया है 72, यहाँ लिख लेते हैं 72, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या निकालना है, पी दे दिया, मूलधन दे दिया है, कितना दे दिया है, 5,000 यहाँ, ठीक है। और निकालना क्या है, रेट, तो रेट निकालना है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसको कितना लिख सकते थे हम लोग, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे में कितना हो जाएगा, 100 × कर लीजिए 100, इस तरीका से आसानी होगा। तो देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए 2 0 से 2, और इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 2 बार। अब इससे क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस जब इससे इसी इस तरीका से कर लिए तो कितना चलाएगा, 144। अब आप समझ ही रहे हैं, तो क्या में चल जाएगा, रूट अंडर में, तो रूट अंडर 144 स्क्वायर जाएगा तो कितना चलाएगा, 12%। आंसर क्या आएगा हम लोग के, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे आज, वो इंस्टॉलमेंट वाला यानी किस्त वाला बनाएंगे, उसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बनाने से पहले आप क्या कीजिए कि कुछ किस्त में जो होता है उसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए तब उसके ऊपर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले समझना क्या है उसको देख लीजिए, ठीक है, क्या समझना है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं कोई भी किस्त का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए किस्त में जब जो भी होता है, जब भी याद रखिएगा आप, तो किस्त में होता है 2 चीज, किस्त यानी मिश्रधन होता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट यानी क्या होगा, मिश्रधन। इसमें क्या रहेगा, किस्त में 2 चीज जोड़ा हुआ रहेगा, मिश्रधन में क्या रहता है, मूलधन, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा, मूलधन
प्लस क्या रहेगा इसमें, ब्याज रहता है। तब कोई भी धन राशि लीजिएगा तो आपको बना दे दिया जाता है, उसमें मिश्रधन मूलधन और प्लस ब्याज करके उसको किस्त में बांटा जाता है, किस्त लिया जाता है, ठीक है। इसके इक्वल टू याद रखिएगा, सीधा सीधे अगर आप याद रखते हैं तो एक फॉर्मूला होता है उसको याद रखिए, ठीक है। जैसे उधार ली गई राशि, ठीक है, उधार ली गई राशि इक्वल टू एनी अमाउंट, जो भी कर्ज लेते हैं उधार मूलधन भी कह सकते हैं यहाँ, यानी मूलधन इक्वल टू या उधार ली गई राशि इक्वल टू, आई को हम लोग डिनोट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट यानी किस्त से, ठीक है। और जो भी होगा इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक्स कर लेना है, एक्स स्क्वायर कर लेना है, एक्स क्यू कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जितना भी जाएगा इस सब इसको रहना है। आई क्या है, इंस्टॉलमेंट, इसको क्या है, इसके इक्वल टू लिख सकते हैं आप एक्स इक्वल टू, समझिएगा समझने के लिए। बाकी हम लोग बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे बाई ऑप्शन बनाएंगे और वो टेक्निक से बनाएंगे कि सेकंडों में आप बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक भी आपको जानना होगा कि कैसे बनता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ध्यान रखना है 100 प्लस क्या हो जाएगा, बटा में कर देना है 100 प्लस आर, ये जो भी आएगा एक्स के वैल्यू आएगा, ठीक है। यानी एक्स इक्वल टू जो वैल्यू निकालिएगा उसी का मान हम लोग के हमेशा आएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा और चले आएगा, ठीक है। जैसे 5% दे दे, 10% दे दे, तो यहाँ 10% इसमें ऐड करके कैंसिल आउट करके इसको स्क्वायर आए, ये क्या हो जाएगा आई इक्वल टू प्रत्येक किस्त, याद रखना है आई इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रत्येक किस्त, प्रत्येक क्या होगा किस्त, जो भी होगा किस्त जो बराबर बराबर हिस्सा में लिया जाता है उसी को। हम लोग यहाँ भी कर सकते थे आई, अब समझिएगा वहाँ हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अब देखते हैं इसी से रिलेटेड और तब पता चलेगा। तो उसके बाद इसी को ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन से भी बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पार्ट 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। किस्त पे रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम बता दिए हैं इसको। सबसे पहले हम बताएं आपको कि एक्स इक्वल टू इसको इस तरह से 100 प्लस कितना लिखते हैं, 100 बटा 100 प्लस आर लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिखेंगे उसका भी डिस्कस करेंगे। उधार ली गई राशि आई क्या है, आई का मतलब आप समझ जाइएगा प्रत्येक किस्त है, ठीक है। क्या है, प्रत्येक किस्त, जो भी किस्त होगा आप कोई भी धनराशि कोई व्यक्ति से अगर उधार लेते हैं तो उसमें प्रत्येक किस्त के माध्यम से हम वापस जब करते हैं तो उसमें दो चीज़ शामिल रहता है, इंक्लूड रहता है, ध्यान देना है। क्या क्या रहेगा, आपका मूलधन रहेगा, पहले भी हम लोग इस पे डिस्कस किए, और ब्याज इसमें दोनों शामिल रहता है। यानी किस्त किसको कह सकते हैं, तो किस्त इक्वल टू क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। इस तो आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहीं से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये 100 प्लस आर इसलिए लिख लिए, 100 अब बटा में 100 प्लस आर इसलिए लिखे, वो कहाँ से लिखे ऐसे भी आप समझते तो आप बनाते आ रहे हैं, समझ सकते हैं। रेट दे दिया है, कितना दिया है 10%, 10% क्या पहले से ही वीडियो देखते आ रहे हैं, तो 10 से इसको कितना लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। 1/10 और इसी में जोड़ देना है, जोड़ देते थे एक तो कितना चलाता था 11/10, ठीक है, 1 ऐड कर देते थे, तो समझ रहे होंगे। इसी को क्या करना है, अगर इस तरीका से नहीं लिखते इसी को क्या करना है, चेंज कर देना है, ठीक है, पलट देना है, यानी 10 बटा कितना कर दीजिएगा 11, ठीक है। कैसे कि जब अगर पूर्णांक में वैल्यू देगा तो वहाँ दिक्कत होगा, यहाँ तो डायरेक्ट दे देते हैं 10, तो 10 रख के और डायरेक्ट चलाएगा, लेकिन जब पूर्णांक में आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा सबसे पहले तक 10, तो इसी को लेके चल जाना है ऊपर में 10 और नीचे कितना 11, समझ रहे हैं हम। आई है प्रत्येक किस्त निकालना है हम लोग के, आई के ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखिए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग जिस तरीका से आप बुक वगैरह में देखते हैं ताकि आपको या बेसिक समझ लीजिए, वहाँ से समझ लीजिए आसानी होगा, फिर हम लोग माध्यम से ट्रिक के माध्यम से टेक्निक के माध्यम से इसको सीखेंगे और आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, तो उधार ली गई राशि, तो उधार ली गई राशि कितना है, इतना 21,000 रुपया उधार लिया जाता है, तो सबसे पहले कहाँ लिख देना है 21,000, ठीक है। 21,000 रुपया आपका लिए उधार लिए कर्ज लिए, जे बाकी आपका क्या रहेगा उसमें मूलधन रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति आएगा तब फिक्स किया कि कितना के ब्याज हम आपसे लेंगे, तो 10% के ब्याज लेंगे, ठीक है, 10% है ना, तो किससे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से।
अब वही देख लीजिए, तो हम लोग क्या निकालना है, कई इंस्टॉलमेंट निकालना है, प्रत्येक किस्त के वैल्यू निकालना है, तभी हम लोग पढ़े तो इसको कितना, इसी को क्या कहे कि चेंज कर दीजिएगा। तो जब चेंज कर दीजिएगा तो नीचे कितना लिख सकते हैं, 10, और 10 बटा कितना हो जाएगा 11, इसको 10 के स्क्वायर कर दीजिएगा 100, और नीचे हो जाएगा 121। दो बार ही लिखेंगे, क्यों से समझ लीजिए। यहाँ दे दिया, दो वार्षिक किस्तों में क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है, यानी कि चुकता किया जाता है, यानी पेड किया जाता है। ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं इस तरीका से। ठीक है, कैसे से देख लीजिए, इसको कितना लिखिएगा 21। समझना है थोड़ा टाइम दे करके। अब देखिए, टाइम दे देते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, आसानी से आप बना लीजिएगा। कैंसिल तो कितना हो जाएगा यहाँ 110, यहाँ कितना चलाएगा 100, समझ रहे होंगे आसानी से। अब देखिए, ऐड कर लीजिए तो ई हो जाएगा 21,000, ई आई हो गया। इसको ऐड अगर आप कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो कितना चलाएगा 210, आई बटा में हो गया 100। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 100 बार में। ठीक है, और इसको इसको इनटू कर दीजिएगा तो आई इक्वल टू कितना जाएगा, 1, 1 to 1, 0। क्या आंसर हम लोग के चलाएगा, तो आंसर 1 to 1। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। ठीक है, इस तरीका से आसानी से। अब हम लोग समझेंगे कैसे ट्रिक के माध्यम से या एक मेथड से और इस तरीका से भी समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लेता है इस तरीका से, समझ लीजिए जैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे समझते हैं। अब समझना क्या है कि कितना हो जाता है, 10 से कितना हो जाता था, हम लोग पढ़े थे 10 से कितना हो जाता है 11। ठीक ना, ठीक है ना। अब इसमें कोई भी देखना है दो तरीका से, या फिर 10 से कितना हो जाता है 121। दो को कोई भी डिजिट से आपसे देखना है, सबसे पहले अगर 11 से जो डिवाइड हो जाएगा वो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, या 121 से, तो जब 11 से अगर आपको दो को ऑप्शन अगर डिवाइड हो जा रहा है, तो फिर कितना से चेक कर लेना है, 121 से। इसी से 3 वर्ष के रहता तो इसको फिर अगर 3 वर्ष दे देता तो कितना जाता, 1331 से चेक कर लेते। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसी तरीका से आपको चेक करना था। अब देखिए, हम बोले कि जब 10 से कितना हो जाता है 11, और फिर 10 से कितना हो जाएगा, फिर 10 से कितना, सॉरी 10 से कितना हो जाता था 11, इसको दोनों के गुना कर लेते थे तो कितना आ जाता था 100, ये कितना चलाएगा 121। ठीक है, अब 121 से जो भी अंक इसमें डिवाइड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिक्स रहेगा, आपको 100% 121 से देख लेना है तो क्या होगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, या आप पहले 11 से भी देख सकते हैं। 11 में क्या रहता है, इतना लंबा हो जाएगा आपको चेक करने में, तो 11 से भी जो भी अंक डिवाइड होगा वो भी आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपको दो को मिल जाए कि 11 से डिवाइड हो जाता है, तो दोनों के क्या करना है, इनटू से 121 से कर देना है, या डायरेक्ट एक बार में आप आंसर निकालना चाहते हैं तो कितना से डिवाइड कर दीजिएगा, 121 से ही कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या शामिल है, दोनों, इसमें आप पढ़े थे कि इधर क्या होता है, मिसर्धन या अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट में क्या क्या शामिल रहता था, आप पढ़े हैं पहले से, तो दो चीज़ क्या क्या, मूलधन प्लस क्या, ब्याज, समझ रहे हैं। तो इससे आप आसानी से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, और इसी टेक्निक से हम लोग बनाएंगे, इस तरीका से आप बेसिक से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आप देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सेम उसी तरीका से निकालना एक बार देख लेते हैं। रामू ने 13,000 रुपया उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित, यानी ब्याज सहित दो वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। ठीक है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको हम बताएं कि जब 8% है, आप पहले से भी जान रहे हैं, 8% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 बटा कितना लिख सकते हैं, 25। जो लोग नया होंगे वो समझ लीजिए, 8 बटा कितना लिखते हैं, 100। ठीक है, तो 2 आई कितना हो जाएगा, 25। एकदम ईजी वे में बना सकते हैं। तो देखिए, 25, तो 25 से कितना हो जाता है, 25 रुपया उधार लेते हैं, 2 रुपया क्या होता है, उस पर 25 रुपया उधार लिया, 2 रुपया ब्याज लगा, तो 25 से कितना चलाएगा, 27। और दो किस्त में बोला है, तो दो किस्त में यहाँ भी हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा, 27। आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसको जब आप पढ़ें, इसको कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 625। इसको कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 729। अब या तो 27 से सबसे पहले ढूंढ लीजिएगा,
अगर दो ऑप्शन तो उसके आगे तक कितना ही, तो डायरेक्ट हम लोग के मिल जाएगा, कितना हो जाएगा इससे डिवाइड हो जाएगा, यही हम लोग के अमाउंट रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, बार बार बोल रहे हैं कि जिसमें मूलधन और क्या शामिल रहता है, ब्याज, उसी को कहते हैं मिश्रधन। तो उससे डिवाइड होने वाला अंक देख लेना है, तो उससे डिवाइड होने वाला कौन सा है अंक, तो ऑप्शन नंबर बी इसी का आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, आसानी से। चलिए और अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और देखते हैं इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, उसी टाइप का सेम उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे भी। राजू ने 5300 रुपया उधार के रूप में लिए, जिसका ब्याज सहित दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, ठीक है, तो 12% है इस तरह से, तो 12% के कितना आप लिख सकते हैं, 3/3 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 25 से 28 पहला वर्ष में, ठीक है, दूसरा अगर देते हैं तो फिर कितना आ जाएगा, 25 से 28, समझ रहे हैं। अब इसको कर लीजिए, तो इसको कीजिएगा तो कितना चलेगा, 625, ये जानते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 784, आप जान रहे हैं। अब देखिए कौन सा अंक है जो इससे 784 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए तो दो गो किस्त है, अब देखिए किससे डिवाइड हो सकता है, इससे होगा कि इसमें होगा कि इसमें होगा, आप अपना लॉजिक लगाइए। अगर इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना से, अगर 3 से भी कीजिएगा तो 2100 हो जाएगा, अगर 4 से अगर हम लोग करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, इतना से भाग देते हैं या गुना करते हैं, सीधा सीधी समझिए, इसमें इंटू करते हैं अगर हम लोग कितना से, 3 से 3 बार में, तो कितना चलाएगा, 4 3 12, समझना है यहीं से, ठीक है, तो 4 3 12 और कितना हो जाएगा, 24 1 25 और कितना, 21 2 23 हो जाएगा, आएगा नहीं। अब देखिए हम लोग करके देखते हैं, 3 के बाद इससे ज़्यादा ही होगा, तो 4 से करते हैं, तो 4 से कितना चलाएगा, 16, ठीक है, 16, फिर कितना कीजिएगा, 8 4 इसमें 4 से हम लोग चेक कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, समझिएगा एक बार, सब में एक समझ लीजिएगा क्या करना है कि 31 32 इतना इतना से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, 700 कितना से, 84 से, ऑप्शन वन में, ठीक है, समझने के लिए लगता बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे। अब बी में भी कितना कीजिए, बी में भी क्या कीजिएगा, आप डिवाइड कीजिएगा, कितना है, 31 36 में 784 इसी दो ऑप्शन से, तो इस तरह से, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बार में हो जाएगा, तो 4 बार में, ठीक है, 4 बार में जो कैंसिल आउट हो जा रहा था, आंसर हम लोग के क्या चलेगा, इस तरीका से बी नंबर, समझ गए होंगे, आसानी से इसको आप बना सकते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, बारीकी से समझना है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा क्लू है, उस क्लू को जरूर समझिए, बने रहिए। दिया है 66,000 कितना है, 200 रुपया का चक्रवृद्धि का कर्ज 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, ठीक है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं, जान रहे हैं आपकी कितना दे दिया है, 10, और इस बार कितना है, 3 वार्षिक किस्त है, ध्यान देना है, तो 10 तक कितना लिख सकते हैं, 1/10, अब समझिएगा यहाँ से, 10 से कितना होगा, 11, फिर कितना हो जाएगा, 10 से 11 आप जान रहे हैं, और 10 से फिर आप जान रहे हैं कि 11, या 11 से कोई डिवाइड होने वाला अंक, या आप जानते होंगे, याद कर दिए होंगे, तो इसका कितना हो जाता है, 13 31, ठीक है, इस तरीका से। अब इससे डिवाइड, तो आपको तो लगेगा कि डायरेक्ट मिल गया हम लोग के आंसर ए, ठीक है, डायरेक्ट इसी का, लेकिन आप सोचिए, थोड़ा सोचना है, टोटल कर्ज आप कितना ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं कितना है, 6600 कितना है, यानी 66,200 रुपया, ठीक है, 66,200 रुपया आप कर्ज लिए, और 3 वार्षिक किस्तों में आप दे रहे हैं कितना, 1300 कितना है, 13,310। अब सोचिए 13,310, समझना है बारीकी से क्वेश्चन को, 13,310, ठीक है, और 3 बार दीजिएगा 13,310, 3 वार्षिक किस्त में है, तो 3 वार्षिक किस्त में है तो कितना चला रहा है, आप कितना दे रहे हैं, यानी 39,900 कितना दे रहे हैं, 30 रुपया ही दे रहे हैं, और टोटल कर्ज ही लिया है, कोई आपसे कम लेके रह सकता है, इसलिए ज़्यादा ही लेगा, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। अब इसी से डिवाइड होने वाला और देखेंगे, तो ई तो कभी होगा नहीं डिवाइड, ठीक है, अब डिवाइड हम लोग के क्या होगा,
सी नंबर हो सकता है, ठीक है। सी क्या होगा, डिवाइड होगा। वैसे भी आप जानते होंगे आप 11 से डिवाइड के नियम, उसमें सम में लगा के चेक कर ले सकते हैं, तो हम लोग के आंसर क्या चलाएगा, सी। क्यों सी चलाएगा, क्योंकि इससे कितना बार में डिवाइड, सम में बोले थे कि सम में इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी, तो इसमें जब हम लोग डिवाइड ऑप्शन नंबर फर्स्ट में करें तो डायरेक्ट इतना चलाया, ठीक है। लेकिन आ गया और एक ऑप्शन और हम लोग के मिल रहा था कि डिवाइड हो रहा था कौन नंबर, सी नंबर, इसीलिए देखिए आपको गलती के लिए फर्स्ट नंबर में ही दे दिया। इसलिए एक बार ऑप्शन के टोटल के देख लेना है, ठीक है। तो पता चला हम लोग जब चेक किए तो दो ऑप्शन हम लोग के डिवाइड के लिए मिला, ठीक है। तो दो ऑप्शन, तो इससे पता चला कि अगर 39,900 अगर तीन बार भी ले, सॉरी 1300 कितना है, 13,310 रुपया अगर तीन बार भी लेगा तो टोटल इतना ही पूरा है और होना चाहिए ज़्यादा। अब देखिए तो इसको 26,620 रुपया अगर तीन बार लेगा तो कितना हो जाएगा, 26 अगर याद करते हैं तो 26 टोटल से 78,000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, सी। इसलिए थोड़ा सावधानी बरत के भी चलना है, ठीक है। और हम लोग अभी क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, आप देखते ही समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको, इसलिए एक बार हम पढ़ देते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया है 21,630 रुपया का ऋण 6.2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए लिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है, ठीक है। इसका ऑप्शन दे दिया गया, आप आसानी से बना सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि 5 है ये 6 नंबर है। रमेश ने 51,150 रुपया उधार के रूप में लिए, जिसका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अभी हम लोग का एक टाइप इससे रिलेटेड और बच गया, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था जिसके चलते हम आगे और नहीं बड़ा बना पाए। इससे रिलेटेड कल हम लोग फिर जो डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम में पूछा करता है, ठीक है। इसलिए कल वाला भी वीडियो पार्ट कितना 9 है, पार्ट आप 10 जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।